गुड मॉर्निंग गाइस, चैप्टर नंबर टू मटेरियल कॉस्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है। हमें इस चैप्टर में करना है स्टोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है स्टोर्स मैनेजमेंट, क्यों करते हैं हम स्टोर्स मैनेजमेंट, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स को। मैंने आपको बताया कि स्टोर्स मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टेक्निक को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद फिर हम सेकंड टेक्निक को डिस्कस करेंगे। उसको कंप्लीट डिस्कस करने के बाद हम दोनों टेक्निक के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टेक्निक और सेकंड टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, सेकंड टेक्निक ईओक्यू, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों टेक्निक में से क्वेश्चन आएगा, तो आप बहुत ध्यान से इन दोनों टेक्निक को समझना। फर्स्ट टेक्निक स्टार्ट करते हैं, एंड फर्स्ट टेक्निक इज वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल क्या होते हैं, स्टॉक लेवल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, और स्टॉक लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग फटाफट से नोट करो टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, टोटल पांच टाइप के स्टॉक लेवल होते हैं। टोटल पांच टाइप के स्टॉक लेवल होते हैं। फर्स्ट रीऑर्डर लेवल, फर्स्ट स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल। सेकंड स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। थर्ड स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फोर्थ स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एंड लास्ट डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल। ये जो पांच स्टॉक लेवल दे रखे हैं, हर स्टॉक लेवल का अपना खुद का एक पर्पज है। रीऑर्डर लेवल का अपना खुद का पर्पज है, मिनिमम स्टॉक लेवल का अपना खुद का पर्पज है, मतलब हर स्टॉक लेवल का अपना खुद का एक पर्पज है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक स्टॉक लेवल को डिस्कस करेंगे। स्टॉक लेवल वो क्या होता है, इस स्टॉक लेवल को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, और इस स्टॉक लेवल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर स्टॉक लेवल को वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पांच स्टॉक लेवल, इन पांच स्टॉक लेवल में जो सबसे कम इंपॉर्टेंट स्टॉक लेवल है वो है फिफ्थ स्टॉक लेवल, विच इज डेंजर स्टॉक लेवल, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो पांच स्टॉक लेवल वन बाय वन करके हम हर एक स्टॉक लेवल को डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। मगर ये पांच स्टॉक लेवल, हम स्टॉक लेवल को डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन एक एक स्टॉक लेवल को डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स है हमारे पास टोटल थ्री। फर्स्ट कंजम्पशन रेट, सेकेंड टर्म रीऑर्डर पीरियड, और थर्ड टर्म रीऑर्डर क्वांटिटी। हम सबसे पहले इन तीन टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है, उसके बाद हम लेवल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहली टर्म है कंजम्पशन रेट। कंजम्पशन रेट क्या होती है, व्हाट इज कंजम्पशन रेट, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कंजम्पशन रेट क्या होती है। जैसे कि एक फैक्ट्री में एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, एक फैक्ट्री एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, और एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करने में 2 kg रॉ मटेरियल यूज होता है। एक यूनिट का मैन्युफैक्चर अगर करना है तो उसमें 2 kg रॉ मटेरियल यूज होगा। इसका मतलब है एक दिन में उस फैक्ट्री में 2000 kg रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता है, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन एक दिन में, और एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल, 1000 × 2 = 2000 kg, कंजम्पशन रेट पर डे इज 2000 kg। हाँ, कंजम्पशन रेट को पर वीक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वीक में मान लेते हैं 7000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, एंड पर यूनिट वी रिक्वायर 2 kg रॉ मटेरियल, इट मीन 7000 × 2 = 14000 kg कंजम्पशन रेट पर वीक। कंजम्पशन रेट का मतलब होता है एक दिन में या एक वीक में या एक महीने में हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्शन की रेट को कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू कंजम्पशन रेट, आप इसको नोट कर लीजिए, कंजम्पशन रेट इक्वल्स टू प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। प्रोडक्शन की रेट को मल्टीप्लाई करना है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट से, इट इज कंजम्पशन रेट। अगर आपको कंजम्पशन रेट पर डे कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्शन रेट पर डे मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। अगर आपको कंजम्पशन रेट पर वीक कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्शन रेट पर वीक मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। अगर आपको कंजम्पशन रेट पर मंथ कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्शन रेट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। प्रोडक्शन की रेट को जब हम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट इज कंजम्पशन रेट। वैसे जनरली हमारे लिए जो कंजम्पशन रेट काम आएगी वो या तो पर डे या पर वीक, ज्यादा यूज जो होगा वो पर डे का या पर वीक का, पर मंथ या पर एनम इसका यूज बहुत कम होगा। तो कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन की रेट मल्टीप्लाई बाय रॉ मेटल रिक्वायर्ड पर यूनिट। और कंजम्पशन रेट होती क्या, पर डे कितना रॉ मेटल हमें कंज्यूम करना है, या पर वीक हमें कितना रॉ मेटल कंज्यूम करना है, या पर मंथ हमें कितना रॉ मेटल कंज्यूम करना है, इट इज कॉल्ड कंजम्पशन रेट, करेक्ट। सेकेंड वर्ड इज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, जब हमें रॉ मेटल को परचेज करना होता है, जब हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना होता है तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हमारी फैक्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को परचेज करना। अब वो रॉ मटेरियल को परचेज कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जहां से हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब सप्लायर, हम उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए हमें सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना होता है, वो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है। रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया और हमें मटेरियल रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड। मान लो एक फैक्ट्री है जो कि जयपुर में, और उस फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो रॉ मटेरियल काम आता है, वो मिलता है मान लो हैदराबाद में। तो अब क्या करना होगा, जब रॉ मटेरियल खरीदना होगा तो
हमारी फैक्ट्री जयपुर में, और रॉ मेटेरियल जो सप्लाई होता है, जो रॉ मेटेरियल मिलता है वो कहाँ मिलता है, हैदराबाद में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें रॉ मेटेरियल खरीदना है तो हम हैदराबाद वाली सप्लायर को हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो जो हैदराबाद वाला सप्लायर है, अगर उसके पास मटेरियल रेडी है तो वो हाथों हाथ उसको ट्रांसपोर्ट से भेज देगा, और अगर उसके पास मटेरियल रेडी नहीं है तो सबसे पहले तो क्या करेगा, उतना मटेरियल तैयार करेगा, तैयार करने के बाद उसको पैक करेगा, और पैक करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट से भेजेगा। तो ऑर्डर देते ही मटेरियल नहीं मिलता, ऑर्डर देते ही हमें मटेरियल रिसीव नहीं होता, टाइम लगता है, ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है, सप्लायर अगर मटेरियल को तैयार करेगा तो उसमें टाइम लगता है। ये जो टाइम लग रहा है ऑर्डर देने के बाद मटेरियल मिलने तक का जो टाइम है, इज कॉल्ड री ऑर्डर पीरियड। तो री ऑर्डर पीरियड क्या होता है, री ऑर्डर पीरियड होता है टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस किया, डेट ऑफ ऑर्डर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, और आपने मटेरियल रिसीव किया, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको मटेरियल मिला, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है इस कॉल्ड री ऑर्डर पीरियड। ये टाइम गैप 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 25 दिन हो सकता है, महीना भर हो सकता है, 2 वीक हो सकता है, 4 वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको मटेरियल मिला, इन दोनों के बीच का टाइम गैप इज कॉल्ड री ऑर्डर पीरियड। हो सकता है 1 दिन ही हो सकता है 2 दिन हो सकता है 10 दिन हो सकता है 15 दिन हो, राइट। अलग अलग बिजनेस के लिए री ऑर्डर पीरियड भी अलग अलग होता है, राइट। तो टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने मटेरियल रिसीव किया, इन दोनों के बीच का टाइम गैप इज कॉल्ड री ऑर्डर पीरियड। ओके, तीसरा वर्ड है री ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जब आप ऑर्डर देते हो, मटेरियल को परचेज करने का जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदते हो, एक बार में आप कितनी क्वांटिटी परचेज करते हो, हम उसको कहते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऑर्डर की साइज। जैसे आपने ये डिसाइड किया कि जब हम एक बार एक ऑर्डर देंगे तो हर बार हम 1 लाख केजी को परचेज करेंगे, मतलब 1 लाख केजी का एक ऑर्डर होगा, इट मीन्स री ऑर्डर क्वांटिटी इज 1 लाख केजी। अगर आपने ये डिसाइड किया कि एक ऑर्डर 2 लाख केजी का होगा तो री ऑर्डर क्वांटिटी 2 लाख केजी। अगर आपने डिसाइड किया कि एक ऑर्डर 50,000 केजी का होगा तो री ऑर्डर क्वांटिटी 50,000 केजी। एक ऑर्डर की साइज इज कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं, साइज ऑफ वन ऑर्डर, साइज ऑफ वन परचेज ऑर्डर, एक बार में हम कितनी क्वांटिटी को परचेज करते हैं, एक बार में हम कितनी क्वांटिटी को परचेज करते हैं इज कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, इस री ऑर्डर क्वांटिटी को ही हम ईओ क्यों कहते हैं, आपको बता दूं, री ऑर्डर क्वांटिटी ही ईओ क्यों होती है, जो हमारी सेकंड टेक्निक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब सेकंड टेक्निक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये एक ऑर्डर की साइज कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब एक बार में कितना खरीदना है। जैसे मान लो हमारी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट 1 साल की 10 लाख केजी है, तो 10 लाख केजी को हमें कैसे खरीदना है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरीके से खरीदना है, या 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 5 बार में खरीदना है, या 5 लाख 5 लाख करके 2 बार में खरीदना है, या पूरा 10 लाख केजी एक साथ खरीदना है। एक बार में कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है इज कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी, उसी को हम ईओ क्यू कहते हैं। तो अभी तो हम ये
लेवल जो को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें रीऑर्डर क्वांटिटी पता है। फिर ये रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सेकंड टेक्निक में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो तीन वर्ड मैंने आपको यहां पर बताए, फर्स्ट कंजम्पशन रेट, एक दिन में या एक वीक में हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है इज कॉल्ड कंजम्पशन रेट पर डे या पर वीक। रीऑर्डर पीरियड, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमें मटेरियल रिसीव होता है, इन दोनों के बीच का टाइम गैप, ये डेज में हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि ये मंथ में भी हो, बट जनरली ये डेज या वीक में होता है। और रीऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितनी क्वांटिटी हम परचेज करते हैं, एक ऑर्डर की साइज इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। तो तीन वर्ड हमने यहां पर डिस्कस किए। अब हम लेवल को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि रीऑर्डर लेवल मिनिमम लेवल के फॉर्मूले में भी आएगा, मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में भी आएगा, समझा? तो रीऑर्डर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? ये लेवल हम स्टार्ट करें इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद उस एग्जाम्पल से ही हम सारे लेवल को डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए इन सबको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। राइट, समझना आप लोग ध्यान से। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में आप ध्यान से सारी कैलकुलेशन को समझना, ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, इन सबको समझना, आप ध्यान से समझना। मान लो एक फैक्ट्री में एक दिन में पर डे इन वन डे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन एवरी डे, एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, राइट? एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? इसका मतलब है एक दिन में, वन डे 2000 kg रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड कंजम्पशन रेट। कंजम्पशन रेट पर डे इज 2000 kg, हमें एक दिन में 2000 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ये रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, हमारी फैक्ट्री है जयपुर में, और हम ये रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मान लेते हैं मुंबई से। कहाँ से खरीदते हैं? मुंबई से, मुंबई में सप्लायर है, वहां से हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। तो जब हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना होता है तो हम उस सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर वो सप्लायर अगर उसके पास अगर वो गुड्स रेडी नहीं है तो वो गुड्स को रेडी करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट से हमारे पास भेज देता है। तो ऑर्डर देने के बाद अप्रोक्सीमेटली 5 दिन में वो हमारे पास मटेरियल रिसीव होता है, इट इज री ऑर्डर पीरियड। ये तो हो गया कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट पर डे 2000 kg, एंड री ऑर्डर पीरियड इज ऑन एन एवरेज इट इज 5 डेज, ऑन एन एवरेज 5 डेज, मतलब जनरली हमें 5 दिन में मटेरियल रिसीव हो जाता है ऑर्डर देने के बाद। आज ऑर्डर दिया तो 5 दिन बाद जनरली हमें मटेरियल रिसीव हो जाता है, ओके? और एक ऑर्डर की साइज हमने पहले से फिक्स कर रखी है, री ऑर्डर क्वांटिटी, हमने री ऑर्डर क्वांटिटी पहले से फिक्स कर रखी है 50,000 kg, 50,000 किलो। एक ऑर्डर की साइज 50,000 kg, मतलब जब हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है तो एक ऑर्डर हम 50,000 किलो का देते हैं, ओके? कंजम्पशन रेट पर डे इज 2000 kg, कैसे कैलकुलेट किया? एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन, पर यूनिट 2 kg रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड, इट मींस एवरी डे रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल इज 2000 kg, कंजम्पशन रेट पर डे इज 2000 kg,
री ऑर्डर पीरियड, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मटेरियल रिसीव होता है ऑन एन एवरेज 5 दिन बाद। ऑर्डर देने और मटेरियल रिसीव होने के बीच का जो टाइम गैप है वो ऑन एन एवरेज 5 दिन है। और री ऑर्डर क्वांटिटी 50,000 kg है, 50,000 किलो री ऑर्डर क्वांटिटी। एक ऑर्डर में हम 50,000 किलो की क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, करेक्ट? तीनों क्लियर है? तीनों क्लियर है? ओके, मान लेते हैं आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है, और हमने हमारी फैक्ट्री में एक नया स्टोर कीपर रखा। स्टोर कीपर का काम मैंने आपको बताया, स्टोर को मैनेज करना। अच्छा है, ये मान लेते हैं कि स्टोर कीपर को परचेज करने का भी काम दे रखा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने स्टोर कीपर को रॉ मेटल परचेज करने का भी काम दे रखा है। वैसे फैक्ट्री में रॉ मेटल को परचेज करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, जो मटेरियल को परचेज करता है। बट हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने स्टोर कीपर को ही रॉ मेटल को परचेज करने का काम दे रखा है। कहाँ से परचेज करना है? फिक्स सप्लायर है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है और वहां से वो मटेरियल हमें सेंड कर देता है। 1 जनवरी को हमने हमारी फैक्ट्री में एक नया स्टोर कीपर रखा। स्टोर कीपर का नाम है जॉन। स्टोर कीपर का नाम है जॉन। जॉन ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, बीकॉम कर चुका है। हमने उसको हमारी फैक्ट्री में स्टोर कीपर के लिए अपॉइंट किया। जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, सेम टू सेम सिचुएशन हमने हमारे स्टोर कीपर को भी समझा दी। हमने उनको समझा दिया, जॉन को, कि एक दिन में अप्रोक्सीमेटली हम 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। मतलब एवरी डे अप्रोक्सीमेटली वी रिक्वायर 2,000 kg रॉ मटेरियल। मटेरियल हम कहाँ से खरीदते हैं? हम मुंबई से खरीदते हैं। किस सप्लायर से खरीदते हैं? उसको एड्रेस दिया कि इस सप्लायर से खरीदते हैं। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद जब हमें मटेरियल रिसीव होता है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 दिन का टाइम लगता है। आज ऑर्डर दिया तो करीब करीब 5 दिन बाद हमें मटेरियल रिसीव होगा, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली। और एक बार में हमें 50,000 kg को परचेज करने का ऑर्डर देना है। मतलब जब भी आप ऑर्डर दोगे तो आपको 50,000 किलो की क्वांटिटी परचेज करनी है, उसका ऑर्डर प्लेस करना है, राइट? ये पूरी सिचुएशन हमने जॉन को समझा दी। और जिस दिन जॉन ने ज्वाइन किया 1 जनवरी को, उस दिन हमारा स्टॉक था 45,000 kg, 40,000 kg। उस दिन हमारा स्टॉक कितना था? उस दिन हमारा स्टॉक था 40,000 kg, 40,000 किलो हमारा स्टॉक था 1 जनवरी को। जॉन ने कहा, सर आपने मुझे पूरी सिचुएशन समझा दी, अब मैं मैनेज कर लूँगा। ऑलरेडी मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ तो इन सब के बारे में समझता हूँ। 40,000 किलो का स्टॉक था जिस दिन जॉन ने ज्वाइन किया, ओके? अब फर्स्ट डे एक दिन में 2,000 किलो मटेरियल काम आता है, तो 1 जनवरी को 2,000 किलो मटेरियल काम आ गया, कितना स्टॉक बचा? 38,000 kg। सेकेंड डे 2,000 kg और कंज्यूम हो गया, कितना स्टॉक बचा? 36,000 kg। थर्ड डे 2,000 kg और कंज्यूम हो गया, कितना स्टॉक बचा? 34,000 kg। ऐसे रोज 2,000 किलो यूज आता जा रहा है। 40,000 किलो स्टॉक था जब जॉन ने ज्वाइन किया, 2,000 kg रोज कंज्यूम हो रहा है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन्थ, ट्वेल्थ, थर्टीन, रोज 2,000 किलो काम आता जा रहा है। और वो 2,000 किलो जब रोज कंज्यूम होता जा रहा है, तो 20 दिन मतलब 20 जनवरी को, 20 जनवरी को 2,000 किलो और काम आया। इसका मतलब है 20 जनवरी को वो 40,000 किलो का जो स्टॉक था वो खत्म हो गया।
20 जनवरी को जो 40,000 केजी हमारे पास स्टॉक था 1 जनवरी को, वो 20 जनवरी को जाके खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रोज हम 2,000 किलो कंज्यूम करते जा रहे हैं। जब रोज 2,000 किलो कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 जनवरी को जाके वो 40,000 किलो स्टॉक खत्म हो गया। अब हम सीधे चलते हैं 21 जनवरी को। 21 जनवरी मॉर्निंग का टाइम, हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है सुबह 9 बजे। मॉर्निंग का टाइम सुबह 9 बजे, जॉन जो है ये आता है फैक्ट्री में सुबह 10 बजे। वो रहता फैक्ट्री के पास नहीं है, फैक्ट्री के पास में रहता है, वो आता है सुबह 10 बजे। मॉर्निंग 9 बजे, वर्कर सारे फैक्ट्री में आ चुके हैं। वर्कर को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, वो गए स्टोर में रॉ मटेरियल लेने के लिए, मगर स्टोर में रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है। 1 जनवरी को 40,000 किलो का स्टॉक था, रोज 2,000 किलो कंज्यूम हुआ और 20 तारीख तक जाके वो 40,000 किलो खत्म हो गया। 21 जनवरी को स्टोर में स्टॉक जीरो था। वर्कर स्टोर में गए, वहां पर पूरा स्टोर खाली, मटेरियल था ही नहीं। उन्होंने किया फैक्ट्री के ऑनर को फोन, मतलब आपको, आप फैक्ट्री का ऑनर हो, आपको फोन किया कि सर स्टोर में मटेरियल है ही नहीं, आज प्रोडक्शन कैसे करें? आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, स्टोर में अगर मटेरियल खत्म हो गया तो वापस खरीदा भी तो होगा। आपने वापस फोन किया जॉन को, क्योंकि स्टोर कीपर वही है, ध्यान वही रखेगा। आपने जॉन को फोन किया कि जॉन मटेरियल खत्म हो चुका है स्टोर में, आज प्रोडक्शन क्या करेंगे, क्योंकि है ही नहीं, स्टॉक जीरो है। जॉन ने कहा कोई बात नहीं सर, स्टॉक अगर खत्म हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाथों हाथ अभी ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। तो आपने उससे पूछा कि अच्छा तुमने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया? तो जॉन ने कहा नहीं सर, मैंने कहा एक्स्ट्रा स्टॉक रखने का क्या फायदा, तो मैंने ये सोचा कि जब एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखेंगे तो जब खत्म हो जाएगा तो ही खरीद लेंगे, जब खत्म हो जाएगा तभी खरीद लेंगे। तो आपने कहा कि अगर अब अगर तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, अभी तक अगर तुमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है और आज अब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या फैक्ट्री को 5 दिन के लिए बंद करना है? फैक्ट्री 5 दिन के लिए क्या बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा 5 दिन के लिए? जॉन ने कहा क्यों सर, अभी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं मटेरियल आ जाएगा। तो आपने कहा कैसे, मटेरियल कहां से आता है? मुंबई से। मुंबई से मटेरियल अगर आज आप ऑर्डर दोगे तो मुंबई से मटेरियल आने में कितना टाइम लगता है? 5 दिन। तब तक क्या करेंगे? जॉन ने कहा अरे सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि जब मटेरियल खत्म हो जाएगा तभी ऑर्डर देंगे, क्यों ज्यादा ओवर स्टॉकिंग करें? तो आपने कहा भाई ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, वो बात ठीक है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो स्टॉक होना चाहिए ना। अगर तुम आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो मटेरियल 5 दिन बाद आएगा, तो 5 दिन तक हम क्या करेंगे, हमारी फैक्ट्री तो बंद हो गई ना 5 दिन के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी से तुमने ग्रेजुएशन की भाई, तुम्हें पता ही नहीं है क्या कि क्या ऑर्डर तुम्हें मटेरियल खत्म होने के बाद करना है या मटेरियल खत्म होने से पहले करना है, आपको क्या लगता है? जॉन को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए मटेरियल खत्म होने के बाद या मटेरियल खत्म होने से पहले? श्योर है मटेरियल खत्म होने से पहले, क्योंकि मटेरियल ऑर्डर करते ही नहीं मिलता। अगर मटेरियल ऑर्डर करते ही मिल जाए ना तब तो ठीक है, मटेरियल जब खत्म होगा तो ही परचेज कर लेंगे, जैसे ही ऑर्डर देंगे हाथों हाथ मटेरियल आ जाएगा। बट जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं मटेरियल आने में टाइम लगता है, और हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 5 दिन का टाइम लगता है। इसका मतलब है हमें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, खत्म होने के बाद या खत्म होने से पहले? श्योर है खत्म होने से पहले।
अब खत्म होने से पहले कब? खत्म होने से पहले कब? जब हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था, क्योंकि मटेरियल आने में कितना टाइम लगता है? 5 दिन का टाइम लगता है। तो ऑर्डर प्लेस करोगे, 5 दिन में मटेरियल आएगा, तो 5 दिन जितना हमारे पास जब स्टॉक बचा हुआ हो, हम उसी समय मटेरियल को परचेज करने का ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी? 2000 kg, राइट? 2000 kg एक दिन की रिक्वायरमेंट। 5 दिन की रिक्वायरमेंट कितनी? 10,000 kg। इट मीन्स जॉन को रॉ मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? जब स्टॉक 10,000 kg हो। जब जॉन ने ज्वाइन किया था 1 जनवरी को, तो स्टॉक था 40,000 किलो। जब 40,000 किलो कम होते 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 10,000 किलो पे पहुंच गया, जॉन को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जब 10,000 किलो पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो जब तक ये 10,000 किलो खत्म होगा, हमारे पास नया मटेरियल आ जाएगा और फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, राइट ना? हमारा मेन पर्पज क्या है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल की वजह से फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, राइट ना? इट मीन्स हमें रॉ मटेरियल का ऑर्डर रॉ मटेरियल खत्म होने के बाद नहीं देना है, रॉ मटेरियल खत्म होने से पहले देना है। और पहले कब? रीऑर्डर पीरियड कितना है? 5 दिन। तो 5 दिन में हमें कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? 5 दिन में हमें 10,000 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स वी शुड प्लेस ऑर्डर व्हेन स्टॉक साइज इज 10,000 kg। पता है ये 10,000 kg क्या है? इट इज रीऑर्डर लेवल। हम सबसे पहला स्टॉक लेवल कौन सा पढ़ रहे हैं? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल ये कहता है कि हमें ऑर्डर कब देना चाहिए। हमें रॉ मटेरियल को परचेज करने का जो नया ऑर्डर देना है, वो कब देना चाहिए? क्या स्टॉक खत्म होने के बाद देना चाहिए या स्टॉक खत्म होने से पहले देना चाहिए? श्योर है पहले देना चाहिए। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? रीऑर्डर पीरियड कितना है? 5 दिन। और एक दिन में हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 2000 kg। तो 2000 kg मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10,000 kg। हमें 10,000 kg की क्वांटिटी पर, जब हमारा स्टॉक 10,000 kg है, हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। 10,000 kg क्या है? रीऑर्डर लेवल। हमें ऑर्डर कब देना है, हमें कितनी क्वांटिटी पर नया ऑर्डर प्लेस करना है, इस कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। कैसे कैलकुलेट किया? कंजम्पशन रेट, जैसे यहां पर री ऑर्डर पीरियड डेज में, तो कंजम्पशन रेट पर डे मल्टीप्लाई बाय री ऑर्डर पीरियड। कंजम्पशन रेट पर डे इज 2000 kg, री ऑर्डर पीरियड इज 5 डेज। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10,000 kg इज री ऑर्डर लेवल। मगर कहानी अभी तक रीऑर्डर लेवल की यहां खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। इसी एग्जाम्पल में और आगे बढ़ते हैं। जॉन को समझ में आ गया कि नेक्स्ट टाइम मुझे जो ऑर्डर प्लेस करना है वो 10,000 kg पर करना है। स्टॉक खत्म होने के बाद ऑर्डर नहीं देना है, स्टॉक खत्म होने से पहले देना है। और पहले कब? जब 10,000 kg का स्टॉक हो। ये जॉन को समझ में आ गया। अब इस बार तो फैक्ट्री 5 दिन के लिए बंद हो ही गई, क्योंकि हमने स्टॉक खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस किया, तब मटेरियल आने में 5 दिन का टाइम लगेगा, तब तक फैक्ट्री बंद। 5 दिन के लिए तो फैक्ट्री बंद हो ही गई। चलो एक बार गलती हो सकता है, नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं होगी, हमने यही समझा। हमने ऑर्डर दिया और एक ऑर्डर 50,000 kg का प्लेस करते हैं। 50,000 किलो का हमने ऑर्डर प्लेस किया, 5 दिन फैक्ट्री बंद, 5 दिन बाद 50,000 किलो हमें वापस मिला और हमने फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब रोज फिर से 2000 2000 2000 2000 2000 एवरी डे 2000 kg कंज्यूम हो रहा है। अब 50,000 किलो कम होते होते जैसे ही वो 10,000 किलो पर स्टॉक पहुंच गया, 50,000 किलो
कम होते होते जैसे ही 10,000 केजी पर स्टॉक पहुंचा, इस बार जॉन ने कहा गलती नहीं करनी है, 10,000 किलो पे जैसे ही पहुंचा जॉन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जॉन ने कहा इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, पिछली बार तो बहुत कुछ सुनने को मिला था। तो 50,000 केजी कम होते 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 जैसे ही 10,000 किलो पे पहुंचा जॉन ने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। कितने क्वांटिटी का? 50,000 किलो का। एक ऑर्डर हम 50,000 किलो का देते हैं, तो नया ऑर्डर प्लेस कर दिया 50,000 केजी का। अब वो जो 10,000 केजी ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब हम आते हैं, हमारा स्टॉक कितना? 10,000 केजी हम ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डे 2,000 केजी और कंज्यूम हो गया, कितना बचा? 8,000 केजी। नेक्स्ट डे 2,000 केजी और कंज्यूम हो गया, कितना स्टॉक बचा? 6,000 केजी। नेक्स्ट डे और 2,000 केजी कंज्यूम हो गया, कितना बचा? 4,000। नेक्स्ट डे 2,000 केजी और कंज्यूम हो गया, कितना बचा? 2,000। और नेक्स्ट डे और 2,000 केजी कंज्यूम हो गया, कितना बचा? जीरो, राइट? इसका मतलब है वो जो 10,000 किलो जहां पर हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो 5 दिन में खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म होना ही था। अब 5 दिन बाद वहां में मटेरियल रिसीव ही नहीं हुआ। जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था 5 दिन पहले जब हमारा स्टॉक 10,000 केजी था, हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था उस दिन 50,000 केजी का, वो 10,000 किलो पूरा खत्म हो गया, मगर हमें वो 50,000 किलो रिसीव नहीं हुआ। फिर से 5 दिन बाद में फैक्ट्री बंद क्योंकि मटेरियल खत्म हो गया। फिर से वर्कर फैक्ट्री में सुबह गए, उनको मटेरियल नहीं मिला, उन्होंने फिर आपको फोन किया, आपने फिर जॉन को फोन किया कि अगेन सेम प्रॉब्लम, फिर से मटेरियल है ही नहीं, फिर से क्या करें? आज वर्कर कह रहे हैं प्रोडक्शन कैसे करें, मटेरियल ही नहीं। आपने कहा सर इस बार तो मैंने बिल, जो जॉन है उसने आपको कहा कि सर इस बार तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जब स्टॉक 10,000 केजी था मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। आपने कहा भाई तूने कर दिया प्लेस, ओके, मगर मटेरियल तो नहीं है ना, आज अगर तुम फैक्ट्री में जाओ मटेरियल तो नहीं है ना, मुझे क्या करना बाकी की दिक्कत से, मुझे तो ये मतलब है कि स्टॉक टाइम पर अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर आज जाके देखें तो मटेरियल नहीं है, वर्कर खाली बैठे हैं, मशीनें बंद है, फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन का काम बंद है, क्या करें बताओ? जॉन ने कहा सर मैं पता करता हूँ, मैंने ऑर्डर तो दे दिया था बट क्यों नहीं मिला मुझे नहीं पता। जॉन ने सप्लायर को कॉल किया कि मैंने आपको 5 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था, वो मटेरियल अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, क्या हुआ? तो सप्लायर ने आप जॉन को कहा कि आपने 5 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि बराबर 5 दिन में आपको मटेरियल मिल ही जाएगा, एक दो दिन कम ज्यादा भी तो हो सकते हैं। जरूरी है कि 5 का मतलब 5 दिन, हो सकता है कभी कभार एक दो दिन ज्यादा लग जाए, कभी कभार एक दो दिन कम लग जाए, हो सकता है कभी कभार आपको 3 दिन में ही मटेरियल मिल जाए, हो सकता है कभी कभार आपको 6-7 दिन में मटेरियल मिले, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको मटेरियल बराबर 5 दिन में ही मिलेगा, ये इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है, एक दो दिन कम ज्यादा हो जाता है। तो जॉन ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या कि 5 दिन में मटेरियल नहीं मिले, कुछ ज्यादा भी टाइम लग जाए? सप्लायर ने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो जॉन ने कहा अच्छा एक बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम हो सकता है? चलो आप तो कहते हो 5 दिन में आप मटेरियल मुझे भेज देंगे, मुझे 5 दिन में मटेरियल ऑन एन एवरेज मिल जाएगा, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 दिन में मटेरियल मिल जाएगा, बट ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है? तो सप्लायर ने कहा ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। हाँ ये श्योर है 7 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि आपको 5 दिन में ही हमेशा मटेरियल मिलेगा, हो सकता है कभी कभार आपको 3 दिन में ही मटेरियल मिल जाए, और हो सकता है कभी कभार आपको 7 दिन में मटेरियल मिले, हाँ 7 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, श्योर है ये मेरी गारंटी, आपको 7 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया मैक्सिमम 7 डेज, वैसे तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 दिन में ही मटेरियल मिल जाएगा, बट 5% चांसेज है कि मटेरियल 7 दिन में मिले, 5% चांसेज है कि आपको मटेरियल 3 दिन में मिल जाए, और 90% चांसेज है कि आपको मटेरियल
दिन में मिलेगा। जॉन ने कहा था ये तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब है इस बार कितना टाइम लगेगा? तो सप्लायर ने कहा 7 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद आपको मटेरियल मिल जाएगा। अब 2 दिन के लिए फैक्ट्री बंद, 2 दिन के लिए फैक्ट्री बंद हो गई। तो जॉन की वजह से फिर, मतलब मटेरियल की वजह से इस बार फैक्ट्री फिर 2 दिन के लिए बंद हो गई। ठीक है, 2 दिन बाद मटेरियल मिला, कितना मटेरियल मिला? 50,000 केजी। फिर 50,000 केजी मटेरियल मिला। आपको क्या लगता है अब नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक 10,000 केजी होगा तब जॉन ऑर्डर प्लेस करेगा? फिर अगेन जॉन रिस्क लेगा कि मटेरियल मिलने से पहले ही मटेरियल खत्म हो जाए और फैक्ट्री बंद हो जाए? क्या ऐसी रिस्क जॉन लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। इस बार जॉन ने सोच रखा है कि स्टॉक खत्म नहीं होने देना है, इस बार स्टॉक खत्म नहीं होने देना है। तो क्या करेगा जॉन? रीऑर्डर लेवल जो सेट करेगा वो 5 दिन के हिसाब से नहीं, 7 दिन के हिसाब से। एक दिन में कितना कंजम्पशन होता है? 2,000 केजी। तो 7 डेज में 14,000 केजी। इस बार वो नया ऑर्डर प्लेस 10,000 केजी पर नहीं करेगा, 14,000 केजी पर करेगा। मतलब जैसे ही 50,000 किलो कम होते होते 14,000 केजी पर पहुंच जाएगा, जॉन ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब जॉन हो गया रिस्क फ्री। क्यों? अब अगर सप्लायर इस बार भी मटेरियल 5 दिन की जगह 7 दिन में भी भेज दे तो भी दिक्कत नहीं है। अब फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती रॉ मटेरियल की वजह से, अब रॉ मटेरियल की वजह से फैक्ट्री बंद नहीं होगी। जैसे ही स्टॉक 14,000 केजी पर पहुंचा, जॉन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब भेजने तो 7 दिन में, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो मोस्टली चांसेस यही है कि 5 दिन में आ जाएगा, बट 7 दिन भी लग गए तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। ओके, इसका मतलब हमने रीऑर्डर लेवल पहले 10,000 केजी डिसाइड किया था कि हमें 10,000 किलो पे नया ऑर्डर प्लेस करना है, हमने उसको चेंज किया, नहीं हमें 14,000 केजी पर ऑर्डर प्लेस करना है। क्योंकि 10,000 किलो पर अगर नया ऑर्डर प्लेस करते हैं तो रिस्क है, अगर सप्लायर ने 5 दिन की जगह 7 दिन लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। तो हमने रीऑर्डर लेवल सेट किया 14,000 केजी। मगर दोस्तों अभी तक कहानी में एक ट्विस्ट और है। जॉन की जो लाइफ है वो बड़ी पैनिक होने वाली है। 14,000 केजी जैसे स्टॉक पहुंचा, 14,000 केजी जैसे स्टॉक पहुंचा, जॉन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, अब उसी टाइम पर एक और इवेंट हो गई। वो क्या? वैसे तो फैक्ट्री में हर रोज 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, एवरी डे प्रोडक्शन इज 1,000 यूनिट, और 1 यूनिट को बनाने में 2 केजी रॉ मेटल, इट मीन्स एवरी डे कंजम्पशन इज 2,000 केजी, राइट? बट उस टाइम पर हमें नए ऑर्डर मिले, ज्यादा ऑर्डर मिले, एक्सेस ऑर्डर मिले, तो हमें प्रोडक्शन जो 1,000 यूनिट्स एवरी डे हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी जगह हमें प्रोडक्शन करना पड़ा 1,500 यूनिट्स एवरी डे। 1,500 यूनिट हमें रोज प्रोड्यूस करनी पड़ी क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर मिले, सीजन थी और हमें एक दिन में 1,500 यूनिट्स को प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। अब 1 यूनिट बनाने के लिए 2 केजी, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 3,000 केजी कंजम्पशन होना स्टार्ट हो गया एवरी डे। 3,000 किलो का एक दिन में कंजम्पशन होना स्टार्ट हो गया, जो पहले 2,000 किलो का कंजम्पशन हो रहा था एक दिन में, अब एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से एक दिन का कंजम्पशन हो गया 3,000 किलो। 3,000 किलो कंजम्पशन, 3,000 किलो कंजम्पशन, 3,000 किलो कंजम्पशन, 3,000 किलो कंजम्पशन, मतलब 14,000 केजी पर हमने ऑर्डर प्लेस किया। फर्स्ट डे 3,000 केजी कंज्यूम, सेकेंड डे 3,000 केजी कंज्यूम, थर्ड डे 3,000 केजी कंज्यूम, फोर्थ डे 3,000 केजी कंज्यूम,
चार दिन में 12,000 किलो कंज्यूम हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें कंज्यूम करना था 3,000 किलो, बट हमारे पास स्टॉक ही 2,000 किलो का बचा। 2,000 किलो कंज्यूम हुआ फिफ्थ डे और फैक्ट्री बंद, क्योंकि अब रॉ मेटेरियल ही नहीं है। फिर से बारी आ गई जॉन की कि भाई फिर रॉ मेटेरियल खत्म हो गया, तो चाहता क्या है, बार बार फैक्ट्री बंद हो जाती है और वो भी रॉ मेटेरियल की वजह से। रॉ मटेरियल का स्टॉक तेरा सफिशियंट क्यों नहीं रहता मेरे भाई, ये तो बता। जॉन कहता है सर इस बार कैसे खत्म हो गया समझ में नहीं आया। इस बार खत्म होने का मेन रीजन था कि जो हमने कंजम्पशन की रेट पर डे 2000 केजी कैलकुलेट की थी वो गलत हो गई, क्योंकि अब जो रोज का कंजम्पशन हो रहा है वो 3,000 किलो का हो रहा है। जॉन ने कहता है मैंने रीऑर्डर पीरियड वाली रिस्क खत्म की तो आपने इधर कंजम्पशन बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले आप रोज कंज्यूम कर रहे थे 2000 केजी, अब आप रोज कंज्यूम कर रहे हो 3000 केजी। पहले आपने एक दिक्कत की, अब आप दूसरी जगह दिक्कत करो। पहली दिक्कत थी सप्लायर की वजह से, दूसरी दिक्कत हो रही है आपकी वजह से। जॉन ने आपको कहा कि पहले दिक्कत थी सप्लायर की वजह से कि 5 दिन की जगह वो कहता है 7 दिन भी हो सकते हैं, अब आप कह रहे हो 2000 केजी की जगह 3000 केजी भी कंज्यूम हो सकता है। तब आप मुझे ये बताइए कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कंजम्पशन कर सकते हो, आपको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने कहा कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर मैं फैक्ट्री की 100% कैपेसिटी काम ले लूं तो भी मैं एक दिन में 1500 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैक्सिमम प्रोडक्शन पर डे इज 1500 यूनिट्स। वैसे ऑन एन एवरेज हम 1000 यूनिट ही बनाते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 1500 यूनिट का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अब अगर ज्यादा से ज्यादा 1500 यूनिट का प्रोडक्शन किया जाए तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो सकता है, काम आ सकता है। अब इस बार फिर फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि रॉ मेटेरियल खत्म हो गया। रॉ मेटेरियल मिला, कितना रॉ मेटेरियल मिला, 50,000 केजी रॉ मटेरियल मिला। इस बार आपको क्या लगता है जॉन नया ऑर्डर कब प्लेस करेगा, 14,000 पे या कोई और क्वांटिटी? श्योर है इस बार जॉन वो जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होता है उस रिस्क को भी कवर करेगा। सप्लायर वाला टाइम तो उसने कवर कर लिया, तब 10,000 से हम 14,000 पे आ गए। सप्लायर 5 दिन की जगह 7 दिन लगा सकता है, हमने उस रिस्क को तो खत्म कर दिया, 10 से 14 पे आ गए। अब हमें जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो सकता है 1000 की जगह 1500, इस रिस्क को भी खत्म करना है। इसका मतलब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो सकता है, 3000 केजी। और सप्लायर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को सेंड करने में कितना टाइम लगा सकता है, 7 डेज। अब हमने क्या किया बताए, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को यूज किया और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को यूज किया। रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम 7 डेज और कंजम्पशन रेट मैक्सिमम पर डे 3000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21,000 केजी। इस बार जॉन पता है क्या करेगा, जैसे ही स्टॉक 21,000 केजी पे पहुंचेगा, जैसे स्टॉक 21,000 केजी पर पहुंचेगा जॉन नया ऑर्डर प्लेस कर देगा। इस बार जॉन को पता है दिक्कत होनी नहीं है। क्यों नहीं होनी, अगर सप्लायर ने 5 दिन की जगह 7 दिन लगा भी दिए तो भी दिक्कत नहीं, और हमारी फैक्ट्री में 1000 यूनिट की जगह 1500 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो भी हमें दिक्कत नहीं। हमने दोनों रिस्क को कवर कर लिया, हमने ऐसा रीऑर्डर लेवल सेट किया है जिसने रीऑर्डर पीरियड को भी मैक्सिमम कंसिडर किया और कंजम्पशन रेट को भी मैक्सिमम कंसिडर किया। तो रीऑर्डर लेवल हमने कितना कैलकुलेट किया, 21,000 केजी। कैसे कैलकुलेट किया, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड।
मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट इज रीऑर्डर लेवल, राइट। तो रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा बना, रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा बन चुका है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर आपने रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इतना मेंटेन किया है तो आपके यहाँ पर स्टॉक खत्म नहीं होगा, मतलब प्रोडक्शन बंद नहीं होगा रॉ मटेरियल की वजह से, कि ऐसा नहीं कह सकता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मटेरियल खत्म हो गया प्रोडक्शन कैसे करें, क्योंकि हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को कंसिडर कर लिया और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को भी कंसिडर कर दिया। अब स्टॉक खत्म नहीं हो सकता, अब स्टॉक खत्म नहीं हो सकता, राइट। रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, हमने सबसे पहले जो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया था वो कितना था, 10,000 केजी कैलकुलेट किया था। 10,000 केजी हमने कैसे कैलकुलेट किया, एवरेज कंजम्पशन रेट। हमें नॉर्मली एक दिन में 2,000 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है एंड एवरेज रॉ रीऑर्डर पीरियड जनरली हमें 5 दिन में मटेरियल मिल जाता है, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10,000 केजी। मगर अब हमने रीऑर्डर लेवल कितना कैलकुलेट किया, 21,000 केजी। पहले हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट को अगर यूज किया तो रीऑर्डर लेवल होता है 10,000 केजी। फिर जब हमने रिस्क को कवर करने के लिए रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, इट इज 21,000 केजी। पता है ये जो रीऑर्डर लेवल जो मैंने एक्स्ट्रा मेंटेन किया 11,000 केजी, एवरेज के अगर कॉन्सेप्ट को यूज करें तो 10,000 केजी होता है रीऑर्डर लेवल, मगर मैंने फाइनली रीऑर्डर लेवल सेट किया 21,000 केजी। ये जो 11,000 केजी है ये मैंने रिस्क को कवर करने के लिए किया, ये मैंने रिस्क को कवर करने के लिए किया। कौन से रिस्क, कि रीऑर्डर पीरियड 5 दिन की जगह अगर 7 दिन हो जाए तो भी हमारा स्टॉक खत्म नहीं होगा, और कंजम्पशन रेट जो 2,000 केजी पर डे उससे 3,000 केजी पर डे भी हो जाए तो भी हमारा स्टॉक खत्म नहीं होता। हमने दोनों तरह की रिस्क को कवर किया, रीऑर्डर पीरियड वाली रिस्क और कंजम्पशन रेट वाली रिस्क, दोनों रिस्क को हमने इसमें कवर किया। तो 10,000 केजी एवरेज के हिसाब से और मैक्सिमम के हिसाब से 21,000, ये जो डिफरेंस है 11,000 केजी, इट इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, इट इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। मतलब हम रीऑर्डर लेवल को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक, और यहां पर सेफ्टी स्टॉक कितना हो गया, 11,000 केजी। इसका नाम सेफ्टी स्टॉक क्यों है, क्योंकि ये रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए इसका नाम है सेफ्टी स्टॉक। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एवरेज कंजम्पशन रेट 2,000 केजी पर डे, एवरेज रीऑर्डर पीरियड 5, तो ये हो गया 10,000 प्लस 11,000 केजी सेफ्टी स्टॉक, तो रीऑर्डर लेवल हो गया 21,000 केजी। अच्छा, इसमें अब एक बात ये भी आ सकती है कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जीरो रिस्क में ही इंटरेस्टेड हो। देखो, अगर हमने रीऑर्डर लेवल 21,000 केजी मेंटेन किया है तो हम जीरो रिस्क में आ गए, मतलब रीऑर्डर पीरियड 5 से 7 दिन भी हो गया तो भी हमें चलेगा, कंजम्पशन रेट 2,000 केजी से 3,000 केजी पर डे हो गई तो भी हमें चलेगा। हमने रिस्क को जीरो कर दिया क्योंकि हमने मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को कंसिडर किया, हमने मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को कंसिडर किया, मतलब हमने रिस्क को जीरो कर दिया। मगर जरूरी नहीं है कि हम हमेशा चाहते हैं कि रिस्क जीरो हो जाए, क्योंकि रिस्क जीरो करने के चक्कर में पता है क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। रिस्क जीरो करने के चक्कर में ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, स्टॉक ज्यादा मेंटेन हो जाएगा। जो सिचुएशन कभी कभार होना है
उसके लिए हम हमेशा ओवर स्टॉकिंग नहीं कर सकते। जो सिचुएशन कभी कभार होनी है उसके लिए हम हमेशा ओवर स्टॉकिंग नहीं कर सकते। तो कंपनी ऐसा भी कर सकती है, जैसे यहां पर मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक 11,000 है। कंपनी ये भी डिसाइड कर सकती है कि हम 11,000 की जगह सेफ्टी स्टॉक 7,000 का मेंटेन करेंगे या 6,000 का मेंटेन करेंगे। मतलब हम सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं अगर कंपनी ऐसा सोचे तो, कि हम थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं। 100% रिस्क, मतलब 0% रिस्क करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी रिस्क ली जा सकती है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, हमने मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम के फॉर्मूले को यूज किया, तो हम हो सकता है हमारे यहाँ पर ओवर स्टॉकिंग हो जाए। और ओवर स्टॉकिंग के नुकसान मैंने आपको बताया कि ओवर स्टॉकिंग के क्या नुकसान होते हैं। तो ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, जीरो रिस्क करने की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं। हम सेफ्टी स्टॉक 11,000 मेंटेन ही करके 7,000 का मेंटेन कर सकते हैं, 8,000 का मेंटेन कर सकते हैं, 6,000 का मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको, अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल ऐसे कैलकुलेट करना है या रीऑर्डर लेवल ऐसे कैलकुलेट करना है, अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, मतलब कंपनी ने डिसाइड कर रखा है सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी ये होगी, अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, तो आपको रीऑर्डर लेवल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा। एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक जो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया। कंपनी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि हमें इतना सेफ्टी स्टॉक रखना है, ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी स्टॉक 11,000 इस एग्जाम्पल में। बट कंपनी कम भी तो मेंटेन कर सकती है, कंपनी ये भी तो डिसाइड कर सकती है हम 7,000 ही मेंटेन करेंगे। थोड़ी सेफ्टी है, थोड़ी रिस्क है, थोड़ी सेफ्टी थोड़ी रिस्क, ऐसा भी तो हो सकता है। 0% रिस्क करना हमेशा कंपलसरी नहीं होता, हमेशा बहुत बार फ्रूटफुल नहीं होता या प्रॉफिटेबल नहीं होता कि हम रिस्क को जीरो कर दें। तो हम सेफ्टी स्टॉक को कम भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी दे रखी है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है, तो आपको रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज करना है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इट इज रीऑर्डर लेवल। आप दोनों फॉर्मूले को यूज करोगे, आप दोनों फॉर्मूले को नोट करोगे, रीऑर्डर लेवल का फर्स्ट फॉर्मूला और रीऑर्डर लेवल का सेकंड फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल के सेकंड फॉर्मूले के ब्रैकेट में आप लिखोगे इफ सेफ्टी स्टॉक गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। अगर सेफ्टी स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ही आप सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। आपको केवल फॉर्मूला यूज करना है, ये जो हमने एग्जाम्पल वाले फिगर लिखे हैं उसको नोट नहीं करना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला, आपको केवल फॉर्मूला ही नोट करना है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि री ऑर्डर लेवल को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। री ऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलता है कि हमें नया ऑर्डर देना कब है, हमें नया ऑर्डर देना कब है। और ये कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, ये कैसे हमने डिराइव किया, ये हमने डिस्कस किया, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर आपको रिस्क को जीरो करना है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहां रिस्क जीरो तो हो जाएगी, बट ये थोड़ी कम प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग होगी, और ओवर स्टॉकिंग होगी तो उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। यहां ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये आपको तब यूज करना है जब सेफ्टी स्टॉक दे रखा है। अगर हमें ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, थोड़ी सेफ्टी थोड़ी रिस्क, तो हम सेकंड वाले तरीके को काम में लेंगे। इसमें सेफ्टी स्टॉक को
जो मैक्सिमम मेंटेन हो सकता है हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक हमारे एग्जांपल में 11,000 kg है, तो हम थोड़ा कम मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है अगर कंपनी चाहती है हम तो रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है, तो ठीक है एवरेज इनटू एवरेज, फिर जाने दो सेफ्टी स्टॉक। अगर हम पूरी तरह से रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है तो फिर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही मत करो, जीरो, राइट। तो ये फर्स्ट रीऑर्डर लेवल हो गया, फर्स्ट स्टॉक लेवल हो गया रीऑर्डर लेवल। दो फॉर्मूले, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर रेट। अच्छा अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पता है क्या, मैक्सिमम रीऑर्डर, ये जो रीऑर्डर पीरियड है, ये जो रीऑर्डर पीरियड है अगर ये डेज में, तो कंजम्पशन रेट भी पर डे लोगे। अगर रीऑर्डर पीरियड वीक्स में, तो कंजम्पशन रेट भी पर वीक लोगे। मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। आपको चेक क्या करना है, हमें रीऑर्डर पीरियड किस में दे रखा है, डेज में दे रखा है या वीक में दे रखा है। जनरली या तो डेज में होता है या वीक में होता है, बहुत कम चांसेज है या नहीं के बराबर चांसेज है कि रीऑर्डर पीरियड मंथ में होगा। तो अगर रीऑर्डर पीरियड डेज में, तो आपको कंजम्पशन रेट भी पर डे लेनी है, एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, राइट। अगर रीऑर्डर पीरियड वीक में, तो आपको कंजम्पशन रेट भी पर वीक लेनी है। ध्यान रखना, हो सकता है, वैसे अभी तक ऐसी सिचुएशन बहुत कम है कि रीऑर्डर पीरियड अलग टाइम में दे रखा है, कंजम्पशन रेट अलग टाइम पीरियड में दे रखी है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको रीऑर्डर पीरियड वीक में दे रखा हो और कंजम्पशन रेट पर डे दे रखी हो, तो आप कंजम्पशन रेट भी क्या करोगे, पर वीक लोगे, आप समझे। तो रीऑर्डर पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में आपको कंजम्पशन रेट भी लेनी है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या फिर सेफ्टी स्टॉक अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, राइट। अब यहां पर हम एक स्टॉक लेवल को और कैलकुलेट कर लेते हैं आज की क्लास में, मिनिमम स्टॉक लेवल को, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल जिसका दूसरा नाम है सेफ्टी स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, वैसे तो नाम से तो लगता है कि कम से कम कितना स्टॉक होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल कम से कम कितना स्टॉक होगा, मगर इसका मतलब इसके नाम से बिल्कुल नहीं है। मिनिमम स्टॉक लेवल इज बेसिकली सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने यहां पर ये 11,000 kg कैलकुलेट किया। 11,000 kg क्या है, सेफ्टी स्टॉक लेवल, ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी स्टॉक लेवल। हाँ हम इससे कम सेफ्टी स्टॉक लेवल मेंटेन कर सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा कितना सेफ्टी स्टॉक लेवल हो सकता है इज कॉल्ड मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है मैक्सिमम सेफ्टी स्टॉक। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है। मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, कैसे अप्लाई करके बताता हूं। हमने रीऑर्डर लेवल कितना कैलकुलेट किया मैक्सिमम के फॉर्मूले से, 21,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट। एवरेज कंजम्पशन रेट इज 2,000 kg पर डे एंड एवरेज रीऑर्डर पीरियड इज 5 डेज। नॉर्मली हम एक दिन में 2,000 kg कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली 5 दिन में हमें मटेरियल रिसीव होता है, इट मीन्स इट इज 11,000 kg विच इज मिनिमम स्टॉक लेवल विच इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो दो स्टॉक लेवल हमने आज डिस्कस किए, पहला स्टॉक लेवल हमने डिस्कस किया रीऑर्डर लेवल और दूसरा स्टॉक लेवल हमने डिस्कस किया मिनिमम स्टॉक लेवल। बाकी के जो स्टॉक लेवल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक दो इलस्ट्रेशन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू, बाय बाय।